हिनू प्लीज, काहल भाई को सिर्फ तुम ही समझा सकती हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैं उसे नहीं समझा सकती, क्योंकि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। बहुत जिद्दी है वो, और मैं इकरार को क्या जवाब दूंगी? आपको किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस घर में कोई भी बहाना करके ना ऑफिस चली जाइएगा। प्लीज भाभी उन्हें समझा लें। मैं नहीं जा सकती, ये सही नहीं है। देखो, निकाल के प्यार का चैप्टर कभी मेरी जिंदगी में खुला ही नहीं, और रही बात निकाल की, तो मैं उसे क्लियर कर चुकी हूँ कि उसके प्यार की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, पर वो समझना नहीं चाहता। कोई फायदा नहीं उसे बात करके, कुछ नहीं होगा, जानती हूँ। भाभी प्लीज, मेरा भाई मर जाएगा। उसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया है और अपने आप को मशीन की तरह चला रहा है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर तक महदूद कर लिया। मॉम बहुत रोती हैं उनके लिए। आपको मॉम के आंसुओं का वास्ता? प्लीज भाभी, आप एक दफा मिताल भाई से बात कर ले, क्या पता वो आपकी बात समझ जाए। अच्छा, तुम रो नहीं, मैं बात करूंगी उससे, ठीक है? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। मैंने सोचा कि आज अपनी प्यारी सी मिसेस के लिए अपने हाथों से कॉफी बनाओ। ये लीजिए, मेरी प्यारी सी मानो दिन भर घर के काम करके थक जाती होगी, बस इसीलिए मैंने अपने हाथों से उसके लिए कॉफी बनाई है। पी के देखो कैसी लगी। बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर द कॉफी। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, तुम हर कदम पे मेरे साथ खड़ी हो। ऐसा खुशकिस्मत इंसान के साथ ही हो सकता है कि उसका लाइफ पार्टनर उसकी मुश्किलात को समझे और उसकी हर मुश्किलात में कदम कदम पर उसका साथ दे। मानो मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूं, क्योंकि मुझे तुम जैसी बीवी मिली। कुछ ज्यादा जज्बात ही नहीं हो रहे आज आप? जज्बाती तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा से ही हूं और जिंदगी भर रहूंगा। अच्छा, वो तुमने भाभी से बात की? मुझे वक्त ही नहीं मिला, घर के कामों में मसरूफ थी। कल पक्का बात कर लूंगी। ठीक है। कॉफी वाकई अच्छी बनाई है तुमने। तुमसे ही सीखी।